देखिए प्रश्नावली 8.3, ये लाइट नहीं ऑन हो रही है क्या? तीन सूत्र हमने सिद्ध करवाए थे, मैं लिख रहा हूं उनको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 प्लस, और तीसरा था हमने बना रखा है, रोज बनाते हैं एक बार। ये तीन सूत्र और ये एक कृपा, ये ऊपर नीचे लिखे एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा 1/tan थीटा। उसके अलावा दो सूत्र ये वाले, साइन थीटा / cos थीटा बराबर। अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके, जिनको हम सर्व संख्या कहते हैं, जो डेटा के सभी मानों के लिए सत्य है, इनका प्रयोग करके कुछ विशेष प्रकार के सवालों को हल करेंगे, जिसमें गिनतियाँ नहीं होंगी। सवाल दिया होगा सिद्ध करो, सिद्ध करो वाले सवाल में LHS लेते हैं, LHS हल करते हैं, और जो RHS होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सवाल हल, मतलब सवाल दिया है सिद्ध करो, तो हम LHS हल करेंगे उसका बाएं पक्ष, और हल करते करते दाएं पक्ष तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले पहला ही सवाल है प्रश्नावली 8.3, कह रहा है साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखो। साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए, कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, तो क्या 6 के 6 अनुपात जो है उनका मान बाकी के अनुपातों में आ सकता है? मैं कहूँ सबका मान साइन के पदों में लिखो, सबका मान टेन के पदों में लिखो, सबका मान कॉस के पदों में लिखो, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में 6 में से साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक इन सबके मान टेन के पदों में लिखो, क्या ऐसा संभव है? और संभव है तो कैसे, हम उस पर बात करें। बात पहुंच गई हमारी आप तक, क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पर हमें इन तीनों का मान किसके पदों में लिखना है, क्लियर है? चलिए, तो टेन ए का मान कॉट के पदों में, तो वैसे बताया हमें टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन थीटा बराबर कितना होगा, ये तो हम जानते हैं। तो ए थीटा की जगह इसने प्रयोग किया है, तो सीधे टेन ए का मान किसके पदों में आ गया, कॉट। इसे कहते हैं मान पदों में मान लेना। टेन ए का मान LHS में और RHS में जो लिखा है वो सारा का सारा क्या है, cot। अब हमें लिखना है sec का मान किसके पदों में, cot। अगर टेन का मान cot के पदों में हमने लिख दिया, क्या sec का मान अगर टेन के पदों में लिखे और फिर टेन का मान cot के पदों में लिखे, तो सीधे sec का मान टेन के पदों में आ जाएगा। sec और टेन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, देखो ये एक आइडेंटिटी की, sec स्क्वायर की बराबर 1 प्लस tan, क्यों हम जानते हैं, वी नो दैट, क्लियर हो गया? क्या जानते हैं हम कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan। अब आप कहोगे ये तो थीटा लिखा है, ये कैसे लिख दिया, तभी तो सब समीकरण है, कोण कोई भी लिख दो, sec स्क्वायर t बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर 60 बराबर, क्योंकि ये सर्व समीका है, सर्व समीका का मतलब यहाँ थीटा यानी कोण का कोई भी मान आप लिखोगे, ये सर्व समीका सारे मानों के लिए सत्य होंगी, इसलिए थीटा की जगह कोई भी मान आप कोण का यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि सवाल में ए दिया है, इसलिए मैं थीटा की जगह किसका प्रयोग कर रहा हूँ, ए का। ये अपनी जगह रहेंगे, sec अपनी जगह, tan अपनी जगह, 1 प्लस अपनी जगह, स्क्वायर अपनी जगह। बात समझ आ गई, कितने बच्चों को आई, अभी थोड़े बच्चों को आइए, चलो
जैसे हमने यहाँ सवाल हल किए, ध्यान से देखो, यहाँ सवाल जब हमने हल किए तो हमने देखा जीरो के लिए तो ये बराबर थे, लेकिन जैसे थीटा का के का मान 45 रखा तो ये बराबर नहीं। इसका मतलब त्रिकोणमितीय समीकरणें होती हैं उसमें जो कोण होते हैं वो सभी कोणों के लिए सत्य नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं उनको सब समीका कहते हैं। तो हर जगह स्टैंडर्ड होता है, तो तीन सर्व समीकाएं मान ली गई है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इनको आप रख लीजिए, ये सूत्र की तरह प्रयोग होंगे। साइन तो नहीं बदल सकता, लेकिन साइन के आगे जो कोण लिखा है अगर यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर चूहा प्लस कॉस स्क्वायर चूहा बराबर एक, चाहे थीटा की जगह हाथी बैठा दो, थीटा की जगह ए लिख दो, बी लिख दो, कोई भी कोण लिख दो, बात समझ आ रही है। तो साइन का सेक का मान टेन के पदों में आ गया। अब टेन का मान मैं जानता हूँ कितना होता है, एक बटे क्वाड, टेन की जगह लगा दो कितना हो जाएगा, क्योंकि टेन ए बराबर एक बटे क्वाड ए है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर एक बटे क्वाड, क्योंकि कॉट स्क्वायर का मतलब आप जानते हो टैन ए का वर्ग बराबर एक बटे कॉट ए का वर्ग, तो एक बटे वर्ग को हम ऐसे लिखें, ये आपको पता है, अगर पूरे में वर्ग लिखा है तो खाली कॉट उसके ऊपर घात दो लगा देंगे, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है उसके ऊपर लगाएंगे थीटा बाद में, मतलब यही होता है टैन और एक दोनों अलग अलग नहीं है, टैन ए पूरा ए की राशि मात्र आ गया। किसका मान निकल निकाल दिया आपने, सेट स्क्वायर, लेकिन पूछा किसका था, किसके पदों में, हमने सेट स्क्वायर का मान निकाला है, तो ये वर्ग इधर जाके क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब साइन ए का मान लिखना है किसके पदों में, बड़ी समस्या, सोचो जरा साइन का मान कहां तक पहुंचाना है, कॉट तक पहुंचाना। तो साइन का सूत्र एक तो ये पता है हमें, साइन बराबर एक बटे कॉसेक, एक पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, तो साइन का मान कॉस के पदों में तो आ जाएगा, अब कॉस को फिर लेके जाओ टेन के पदों, लंबा रास्ता हो गया, कुछ छोटा रास्ता सोचो। तो क्यों ना साइन, अब मैं देख रहा हूँ कॉसेक का मान किसके पदों में है, तो पहले ऐसा करो साइन का मान कॉसेक के पदों में लिखो, क्योंकि साइन ए बराबर होता है एक बटे कॉसेक, अब कॉसेक का मान जैसे कॉट के पदों में लिखोगे तो साइन का मान किसके पदों में आ जाएगा, कॉट के पदों में, कॉसेक का मान मैं जानता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तीसरे सर्व समीकरण है, तो कॉसेक का मान कितना आ गया है, वर्गमूल वन प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक बटे कॉस स्क्वायर का मान लिखो अंडर रूट वन प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान आ गया साइन ए का किसके पदों में आया, ऐसे ही आप किसी का मान भी किसी के पदों में भी लिख सकते हो, केवल आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि हम कौन सा सूत्र प्रयोग करें और किस रास्ते से हम आ सकते हैं। ठीक, आगे दूसरे सवाल में कह रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं छह, कौन कौन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट टैन कॉस, और अनुपात कब बनते हैं जब मैं इसके आगे कोण लिखूंगा, कोण की महिमा है सारी, और कौन सा कोण कहा है उसने, कोण ए, यानी सबके आगे कौन सा कोण लिखूंगे, और सबका मान किसके पदों में पहुंचा देना है, सबसे पहले सबसे आसान वाला पकड़ो कौन है, कॉस, क्योंकि कॉस के नीचे लिखा है सेक, तो कॉस ए किसके बराबर होगा, एक बटे खत्म, ठीक है। दूसरा पकड़ो कौन है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्यों,
क्योंकि sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो मैं 1 को इधर लिख देता हूँ, tan स्क्वायर a वर्ग को इधर भेज देता हूँ, दे सकता हूँ, ये वर्ग जब भी इधर आता है वर्गमूल बन जाता है, तो कुल मिलाकर tan a का मान कितना आ गया, माइनस tan a का मान आ गया वर्गमूल sec स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब और आसान तरीका ढूंढो, cot का मान अगर लिखोगे, क्योंकि cot कितना होता है 1/10 है ना, तो tan का मान तो sec के पदों में निकाल लिया है, sec स्क्वायर माइनस 1, तो cot का मान भी sec के पदों में आ गया, tan का मान भी sec के पदों में आ गया, cos का मान भी sec के पदों में, कौन रह गया, cos एक और, अब cosec और sin रह गया, अगर sin का मान sec के पदों में निकालोगे, उल्टा कर दोगे, तो cosec का मान उसके पदों में आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ कौन रह गया, यानी sin और cos में से किसी का भी मान किसके पदों में लिख दोगे, sec के पदों में, सोचो कैसे पहुंचोगे वहां तक, फटाफट, क्योंकि tan a कितना होता है, sin a बटे cos a, तो sin a का मान कितना आ जाएगा, तिरछी गुणा करोगे तो tan a गुणा cos a, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में होता, tan a का मान भी मालूम है मुझे sec के पदों में कितना है, वर्गमूल sec स्क्वायर a माइनस 1 है या नहीं, और cos का मान कितना है, तो निकल आया, तो कुल मिला के sin a का मान आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1 बटे sec, अब किसका पूछा है आपसे, cos क्या होता है, 1 बटे sin, sin का उल्टा कर दो, sin का मान तो sec के पदों में निकाल चुके हो, इसका उल्टा कर दो कितना होता है, इसका मान निकल आया, कैसा रहा, ठीक रहा, चलो अगला सवाल देखते हैं, सही विकल्प चुनो, तीसरा, पहला है 9 sec स्क्वायर माइनस 9, अब इसमें दिमाग लगा के कभी भी कोई भी सूत्र लगा सकते, tan sin बटे cos होता है, sec बटे 1 बटे cos होता है, हल होते हुए सवाल दिख नहीं रहा उसमें, अच्छा sec का मान tan के पदों में है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो क्यों ना sec स्क्वायर एक ही जगह मान लगा दूं, कितना मान आएगा sec स्क्वायर का, कितना है, क्योंकि sec स्क्वायर a का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको करने के लिए हमें एक विशेष तरीका अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र सब जगह लगते हैं, तो जब आप सवाल करेंगे तो नए पेज से शुरू करना है इसको, और शुरू करके कॉपी के राइट हैंड साइड में थोड़ी जगह छोड़ना, ऊपर लिख देना त्रिकोण मित्र त्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कोई दिक्कत, अब जो सूत्र जहां लगाओगे वहां पर वही सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहां पर मुझे मालूम है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, वो जो लगाऊंगा वो यहाँ लिखा, अब यहाँ पर वो सूत्र लगा दिया, ये अपनी जगह रहा, कितना आ गया 9 + 9 tan स्क्वायर a माइनस 9, 9 tan स्क्वायर 9 tan स्क्वायर करके कितना आ गया, कोई दिक्कत इसमें, अगला सवाल तीसरा देखो, दूसरे के लिए जगह कम है, sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस, ये सब यहां पर तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो ऐसा करो sec a प्लस tan a, sec a का मान कितना होता है,
एक बटे कॉस टेन ए का मान क्या होता है साइन ए बटे गुणा वन माइनस साइन ए अपनी है। कौन कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर सह के बराबर एक बटे कॉस ए और टेन ए बराबर साइन ए बटे एलसीएम ले कॉस कितना आ गया ऊपर वन प्लस साइन और पहले से कौन था वन वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बन गया नहीं बना माइनस भी क्या बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे कॉस यहाँ सूत्र लगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ये आ गया आपका एक माइनस साइन ए की घात दो को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ये तो लिखने का तरीका होता है इसको अब आप जानते हो क्या आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा एक सबसे पहली वाली आइडेंटिटी देखो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए तो हमारा सवाल ए में है तो हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आएगा वन माइनस साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है एक घात इसकी है दो घात इसकी है कितना आ जाएगा घात एक कट जाए तो हमारे ऑप्शन में देखो चार ऑप्शन है तो डी वाला ठीक हो जाए चौथा देखो कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस अब आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका मान है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका मान है कॉट स्क्वायर ए ये दोनों सूत्र हैं हमारे पास है या नहीं देख लो एक दूसरा सूत्र है और एक सूत्र इधर से इधर भी चलता है और इधर से तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे और 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a गुणा 1 बटे cos स्क्वायर a लिख सकते नहीं ये मैंने पहले बताया कि कहीं अगर a बटा b लिखा है उसे a गुणा a बटा b लिखा जा सकता है पता है बस तो 1 बटे cos क्या होता है किसके बराबर होता है तो एक बटे कॉसेक को तो लिख दो साइन ए स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लिख दो और सेक किसके बराबर होता है एक बटे अच्छा एक बटे कॉसेक तो सेक फिर ए बराबर एक बटे कॉसेक सेक को लिख दो एक बटे स्क्वायर अब ये अंश में है और ये हर में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है और हम जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है ये होता है टेन ए तो ये हो जाएगा आपका कोई समस्या कौन सा ऑप्शन ठीक है तो इस तरह के सवाल होंगे जिसमें हमें गिनतियों में काम नहीं करना है सूत्रों में काम और यही सारे सूत्र जितने मैंने ये लिख दिए मैंने कहा था कि पर्ची बना लेना इसकी एक कागज पे सारे सूत्र लिख लो ठीक है उसके बाद एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आए और सूत्र अगर आपने नहीं लिखे तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ आ जाए ठीक है पूरा आधार इसका सूत्र है इसलिए हमने कहा था सूत्र वाले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए या आपने कॉपी में नोट करा है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए कुल मिला के आपको सूत्रों का प्रयोग तब कर पाओगे जब सूत्र आपको पता होंगे
सूत्र कहाँ से आए? सैक बराबर एक बटे कॉस क्यों होता है, ये मैंने बताया था आपको समकोण त्रिभुज के अंदर लेके, है ना। तो वो सब आप उसको पक्का करिए, उसके बाद इन चीज़ों पर कल बात करेंगे, कल ये एक्सरसाइज खत्म करवा देंगे 8.3। ठीक है, हाँ मतलब पुरानी किताबों में 8.4